ये हमारी थर्ड आई केस आई ना, इसकी पूरी आंख निकली हुई है एक्चुअली ना। वो बॉडी पूरी हालत है इसकी ना, देखा नहीं जा रहा था मेरे से, आंख फूटा हुआ इसका। अभी इसमें हमने गौज भर रखी है, आईबॉल है ही नहीं, नहीं है सर। मैगेट वुंड था तो हम लोग वेट करेंगे, अगर एक बार इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है उसके बाद क्लीन करके फिर सूचरिंग हो जाएगी इसकी, जैसे देवी की। हाँ जी, इसका सिमिलर केस है, सेम केस सर। और जो बैल उस दिन आया था उसकी भी आंख में चोट है पर इसकी आईबॉल दिख रही है। आईबॉल है लेकिन इन्फेक्शन काफी ज्यादा है ना, क्योंकि अंदर मैगेट्स हो गए थे, बहुत हिस्सा खा चुके हैं, कुछ हिस्सों में सेंसेस है, तो वो हमें पूरी रिमूव करनी पड़ेगी और इसकी आई रिमूविंग सर्जरी होगी, लेकिन हम वेट करेंगे अभी। तो ये इसका एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि इसकी आईबॉल हटेगी, उसकी आईबॉल तो मैगेट्स है ही नहीं, उसमें बस सूचरिंग होगी। तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा जी। एक और डॉग आया था ना व्हाइट, जो कि आके चला भी गया है। कल्पना आंटी ने हमें कॉल किया था और वो हमने 39 मील से रेस्क्यू किया। कल्पना जी हमारे साथ बड़े सारे रेस्क्यूज करती हैं, साथ ही साथ वो बड़े सारे हमारे केसेस फॉस्टर करके हमारी हेल्प भी करती हैं। मैगेट वुंड था पीठ वाले हिस्से में छोटा, और साथ में स्किन कंडीशन थी जो कि अभी इनिशियल स्टेज कंडीशन कौन उसको मेन ही था। इसको वैसे आइवरमेक्टिन देता था, टेबलेट्स वगैरह ना, उससे थोड़ा फर्क नहीं पड़ा इसको, मतलब बाहर बरसात के मौसम में थोड़ा ज्यादा लगा होने उसकी वजह से थोड़ा काफी खराब हो गया। अभी इनिशियल स्टेज पे था तो हमने उसको रेस्क्यू कर लिया ताकि हम जल्दी शुरू करें तो जल्दी उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकती है, लेकिन डॉग बहुत स्ट्रेस में आ रहा था, रात भर रो रहा था, तो हमने उसका 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट कर लिया था। आगे के लिए हमने जो उसके केयर टेकर हैं उनको दे दी मेडिसिन और अभी डॉग बेटर है, वुंड भी लगभग ठीक हो रहा था तो वो वहाँ पे मैनेज हो सकता है। मैंने स्किन केसेस के बाद अक्सर देखा है कि वो ऐसे आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो स्किन केसेस बेस्ट है कि आप सड़क पे ही ठीक करें, आप किसी वेट से कंसल्ट करके आइवरमेक्टिन की डोजेज पूछ लीजिए और वो जब तक वेट कहते हैं तब तक कंटिन्यू करके आप मेंज काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में डाइट भी अच्छी रख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प करता है। हाँ, विटामिन सी हो उसमें, इम्यूनिटी बढ़ती है। और हमने एक और डॉग रेस्क्यू किया है जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डॉग है, उसको पकड़ने में भी दिक्कत आ रही थी, हमारे पास जगह नहीं है लेकिन हालत ख़राब थी तो हमने उसको भी केज में रखा हुआ है। उसको हमने पालमपुर भेजा था तो उसका शोल्डर वाला हिस्सा उतरा हुआ है, तो उसके लिए अभी उन्होंने वहाँ पर पट्टी कर दी है टाइटली। रेस्ट पे रहना है बेसिकली डॉग को फॉर 21 डेज, उसके बाद उसका रीचेक होगा, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। उतरा हुआ है, डिसलोकेटेड है। हमारे कितने डॉग्स केजेस में है इस समय? केज तो अभी हमारे 2 ही डॉग हैं, एक पपी है और एक बड़ा डॉग है, बाकी के 2 पपीज हैं जो फॉस्टर हो रहे हैं, जिसमें से एक पपी न्यू आया है अभी हमारे पास, उसका फ्रंट लेग में फ्रैक्चर था। इसको इधर गाड़ी वाले ने लगा दी टक्कर, सिस्टर है ना, उन्होंने उठा के लाए, उन्होंने पट्टी पुट्टी करवाई है, उन्होंने स्प्लिंटिंग कर दी हुई है। जिन्होंने उसे रेस्क्यू किया वो खुद ही उसे ट्रीटमेंट करवा कर यहाँ छोड़ कर गए हैं, जब तक डॉग ठीक नहीं हो जाता हम केयर करेंगे, उसके बाद वो अडॉप्शन खुद ही देगी। ओ, ये वो वाला पपी है भाई, जिस पपी की वजह से वो रेस्क्यूअर के अपने डॉग ने खाना बंद कर दिया था, वो क्या कहानी है? वो लेकर गई ना घर अपने, उन्होंने सोचा कि मैं ही जब तक रेस्ट चाहिए रख लूंगी, लेकिन डॉग उनका अपसेट हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, खाना बंद कर दिया और बिल्कुल उदास बैठा रहता है, खाना ही नहीं खा रहा था, तब उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया। तब ये ठीक होने के बाद उनके पास फॉस्टर होगा, उनके पास वो अभी पूरी कोशिश कर रही है अडॉप्ट हो जाए या फिर दूसरा कोई रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन या कोई रेस्क्यूअर इसे रख ले अपने पास, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन हमें तो क्या, हमारा फ्लो बहुत ज़्यादा है रेस्क्यूज के रिगार्डिंग और हम जगह नहीं बना पा रहे हैं। इनफ्लो काफी ज्यादा जी, इनफ्लो काफी ज्यादा। एक और पपी भी है ना जो ऐसे ही एक रेस्क्यूअर ही लाई थी, वो कह रही थी कि बड़ा सारा उसके इंटरनल ऑर्गन दिख रहे हैं, जो लेट रेस्क्यू आया इवनिंग में, हमारा कह तो रहे थे वो कि इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहे हैं और बहुत पपी को ब्रीदिंग में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जब वो आए तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, हालांकि इंजरी काफ़ी सीरियस है उसके बॉडी में, जो पेट वाला हिस्सा वहाँ पर एक फ्लैप स्किन का पूरा उतर चुका है, सूचरिंग हो रखी थी क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसकी ट्रीटमेंट करवा दी थी, फिर वो लेडी के पास छोड़ा। They didn't tell us anything. They just scattered over the puppy and left. कल इसको इंजेक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एंड आज फोन भी नहीं उठाया। सूचर्स पूरे फट चुके थे, डॉग काफ़ी ज़्यादा पेन में है, इसलिए हमने अभी जब तक वो थोड़ी स्टेबल कंडीशन में नहीं आ जाता और वुंड लगभग भर नहीं जाता हम अपने पास रखेंगे, एंड उसके बाद फिर वो लेडी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। जब भी आप सोचें ना कि हमें मतलब अभी इसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़रूरत है, तभी से हम इसका स्टार्ट करेंगे। एक गाय आई थी जो बड़ी ज़्यादा कमज़ोर थी जी सर, वो उधर ये खड़ी जी,
अबैंडन काउ है, पीछे वाले हिस्से में काफी ज्यादा बड़ा मैगेट वुंड है। जब आप कहते हो अबैंडन काउ है तो काउ तो सारी जो भी सड़क पे अबैंडन ही होती है ना। इसको कम्प्लीटली यूज किया गया है, इसकी एज हो गई, वीकनेस से पता चल रहा है। कौन सी गाय यूज नहीं होती है, मतलब अनलेस तुम कह रहे हो कि सड़क पे ही पैदा हुई है, सड़क पे ही पल बढ़ गई है, मतलब ऐसे कोई कैसे रोड क्वीन गाय है। अंदर वाले हिस्से में भी सर काफी बड़ा मैगेट वुंड है ना, काफी ज्यादा बड़ा, दिखेगा भी नहीं ठीक से। दोनों थाइस के बीच में वुंड है, ये वाले हिस्से में पूरा वुंड है, इसको लंबा समय लगने वाला है, इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा है इसको अभी। इसकी तो हेल्थ इतनी डाउन है कि ये तो मुझे लगता है सर कि हमने सप्लीमेंटेशन अपने तरफ से शुरू कर दी है, इसके ब्लड टेस्ट भी हमने करवा लिए हैं आज, उसके भी रिपोर्ट्स आ जाएंगे और हम फिर आगे उसी वे में प्रोसीड करेंगे। ये क्या हो रखा है, स्कैब है? हाँ, स्कैब है सर, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, ये तो सारा स्कैब हो रखा है। इसके साथ हुआ क्या है नहीं पता, कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं। जो बछड़ा हुआ है जिसकी सुबह आप बात कर रहे थे कि इसको ले आते हैं ये वहाँ पे, हम इसका लास्ट वन वीक से वहाँ पर स्ट्रीट पे ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं। बैठे हुए क्यों लाते हो? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, इसका जो पीछे वाला एक पैर है ना, मैं इसलिए मना करता हूँ, मैंने यहाँ पे इतने सालों में बैठे हुए पशु ठीक होते हुए नहीं देखे। राधा तुमने देखे? अभी इसकी दिक्कत क्या है ना कि इसका जो पिछला वाला पैर है ना वो डिसलोकेटेड है ऊपर वाले हिस्से से, जो फॉल्स जॉइंट कैलस फॉर्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये फिर भी थोड़ी अपनी मेहनत कर रही थी, थोड़ा सा खड़े हो रही थी क्योंकि हमारी टीम जाती है रोज़ इसको वहाँ खड़ा करती है, लेकिन होता क्या है हम आ जाते हैं उसके बाद इसको ना कोई खाना देता है ना कोई पानी देता है। जिस जगह में ये थी वो इतनी गंदगी हो गई थी वहाँ पर क्योंकि घास वास जो भी डाला होगा किसी ने वो पूरा फैला हुआ है, गोबर में ये है, और ऐसे में क्या है ना हम बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले हम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। हम फिर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इसके लिए क्योंकि अभी इसके चांसेस हैं खड़े होने के, क्योंकि ये छोटा भी है थोड़ा, तो अभी जगह तो हम साइड में इसको तो इसको अभी हॉर्स पे करना करेंगे सर। हाँ, पालमपुर हमने कल जब भेजे थे डॉग सारे तो उसमें एक डॉग और हमने भेजा था जो हमने टांडा से रेस्क्यू किया था, जिसके फ्रंट लेग में फ्रैक्चर बता रहे थे जब हम रेस्क्यू करने गए थे, लेकिन जब वो वहाँ पर एक्सरे हुआ तो पता चला कि उसके स्पाइन में हल्का डैमेज हुआ है, तो उसको टोटली केज रेस्ट चाहिए। लेकिन अभी डेढ़ हफ्ते से जब से हमारे पास है तो टीम ट्राई भी कर रही है कि उसको थोड़ा सा वॉक वगैरह कराए और काफ़ी असर दिखा है, डॉग खुद आज बाहर आया हुआ था तो वो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है उसके। जो हमने नए रेस्क्यूज लिए हैं उनके लिए जगह तब बनी है जब यहाँ से कुछ एनिमल्स रिलीज हुए हैं, तो जो एनिमल्स रिलीज होके गए हैं और जो यहाँ पे हैं उनके अपडेट्स वो हम आपको देंगे कल।